हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर रियली रियली गुड। माय नेम इज मीनाक्षी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेडिंग आउटफिट आइडियाज। सबको मैंने अमेजोन से परचेज किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग गर्ल्स, की अमेजोन पे 18 दिसंबर से वार्डरोब रिफ्रेश सेल स्टार्ट होने वाली है, तो आपको उस सेल में 50-80% ऑफ मिल जाएगा। तो आप अगर चाहो तो उस सेल का बेनिफिट उठा के उस टाइम पे भी इन्हें परचेज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे पहला आउटफिट है उसको मैंने रिसेप्शन के लिए रेडी किया है, मीन्स आप रिसेप्शन के लिए इस आउटफिट को यूज़ कर सकते हो। तो इसको पूरे लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ की है एक ब्लैक कलर की ऑर्गेन्जा स्कर्ट। एक्चुअली में ये स्कर्ट है, बट दिखने में स्कर्ट जैसी नहीं लगती है, बिल्कुल लहंगे की तरह लगती है एंड काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देती है। तो कोई देख के कह नहीं सकता कि ये स्कर्ट है, तो एक तरीके से आपका लहंगे का काम करेगी। सो दिस इज़ इन कलर ब्लैक एंड ये मैंने परचेज की है स्टूडियो श्रृंगार से। द ब्रांड इज स्टूडियो श्रृंगार एंड इसमें ना काफ़ी अच्छा फ्लेयर है नीचे की तरफ, बीच बीच में ऐसे वाले फ्लोरल प्रिंट भी दिए हैं। ओके, सो लहंगे का काम तो हमारा इस स्कर्ट ने बहुत ही अच्छे से कर दिया। अब मुझे इसके साथ फेयरअप करने के लिए चाहिए था एक क्रॉप टॉप या फिर ब्लाउज, तो मैंने पिक किया एक ब्लैक कलर का ब्लाउज, क्योंकि ये ब्लैक स्कर्ट थी तो मैंने इसके साथ ब्लैक कलर का ही एक टाइप से क्रॉप टॉप स्टाइल के जो कि फुल स्लीव्स में है। तो विंटर की वेडिंग में फुल स्लीव्स वैसे ही एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है, तो हमें ठंड भी नहीं लगती। तो आप चाहो तो इसके साथ ब्लैक ही ज़रूरी नहीं है, आप जैसे इसमें मरून कलर भी है, रेड कलर भी है, उस कलर में भी टॉप इसके साथ स्टाइल कर सकते हो। बट मेरे को अच्छा लगा कि मैं इसके साथ ब्लैक कलर ही स्टाइल करूँ, तो मैंने ब्लैक कलर में ही खरीदा है। बट हाँ, पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था एंड साइज मैंने इसमें पिक किया एक्स्ट्रा स्मॉल, सो परफेक्टली ये एज अ ब्लाउज काम कर रहा था स्कर्ट के साथ। तो एक तरीके से आपका लहंगा एंड चोली वाला स्टाइल हो गया। और उसके साथ ना मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा यू नो वेडिंग वाइब ऐड करने के लिए एक ऑर्गेन्जा दुपट्टा भी स्टाइल किया है। सो दिस इज द दुपट्टा, ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है हमारी स्कर्ट से। यू कैन सी कि दोनों का प्रिंट कितना ज़्यादा मैच करता है एक दूसरे से। तो इस तरीके से टोटली हमारा एक कंप्लीट आउटफिट रेडी हो जाता है। इसके साथ मैंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी स्टाइल की है। ब्लैक कलर के साथ ग्रीन कलर की ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है। सो दिस इज माई फर्स्ट आउटफिट। ओके, नेक्स्ट वाला जो आउटफिट है उसे भी आप शादी वाले दिन भी पहन सकते हो, रिसेप्शन वाले दिन भी पहन सकते हो। बेसिकली ये एक रेडीमेड साड़ी है, यानी कि अगर इफ़ यू आर समवन जिन्हें साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझसे यार उसकी प्लीट्स ही नहीं बनती, आई डोंट नो व्हाई, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाली साड़ी परफेक्ट है, क्योंकि इसको पहनना जस्ट लाइक एक मिनट का काम है। इसे आप इजीली स्कर्ट की तरह पहन सकते हो, क्योंकि इसमें प्लीट्स बनी बनाई आती है। सो यू कैन सी कि ऊपर से बिल्कुल स्कर्ट की तरह लग रही है एंड ये देखिए साइड में यहाँ पे जिप दी गई है, तो आप इसे इजीली बंद कर सकते हो, पहनने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसका जो पल्लू है वो भी काफ़ी लंबा दिया गया है। वैसे इसका जो कलर है वो मरून कलर है, बट यहाँ पे गोल्डन कलर का प्रिंट भी दिया है पल्लू पे खासकर। सो वेरी ब्यूटीफुल साड़ी एंड साइड में लेस वर्क भी दिया गया है, तो मुझे तो ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। अगर आप इसको ऑनलाइन देखोगे तो ये ए लाइन स्कर्ट के नाम से मिलती है, बट एक्चुअल में है ये साड़ी ही। एंड इसके साथ मैच करने के लिए मुझे चाहिए था एक ब्लाउज, तो मैंने मरून कलर का ही एक ब्लाउज ऑर्डर किया है। सो ये वेलवेट फैब्रिक में कट स्लीव्स ब्लाउज है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये ब्लाउज भी एंड इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैच हो रहा था। सो दिस इज माय नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट जो आउटफिट है उसको आप अपने हल्दी मेहंदी संगीत किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हो। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने पिक की है एक कुर्ती, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड इंडिया एंड इसमें साइज मैंने पिक किया एक्स्ट्रा स्मॉल। सो ये भी एक कट स्लीव्स कुर्ती है एंड इसका कलर इज रियली ब्यूटीफुल और बीच में ना ऐसे गोल्डन वाला प्रिंट भी दिया गया बीच बीच में। वैसे ही सिंथेटिक कुर्ता लिखा हुआ है, मतलब जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो दिखाया गया कि सिंथेटिक कुर्ती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये सिंथेटिक कुर्ती है, क्योंकि ये काइंड ऑफ कॉटन एंड रेयॉन्स का फैब्रिक मुझे लगा। बट ओवरऑल वेरी वेरी ब्यूटीफुल कुर्ती एंड इसके साथ स्टाइल करने के लिए मुझे या तो प्लाजो या फिर स्कर्ट चाहिए थी, तो मैंने अगेन इंडिया से एक स्कर्ट खरीदी जो कि इसके साथ परफेक्टली मैच हो रही थी। सो दिस इज द स्कर्ट। ये जो स्कर्ट है ना इसको आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि एक तो इसका जो कलर है वो बहुत ही यूनिवर्सल सा कलर है, आप इसे क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो। इसमें बॉर्डर कुछ इस तरीके का दिया गया है, नीचे इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लेयर मिल जाती है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें भी नीचे अलग से फैब्रिक दिया गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी का इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों कलर्स को मिला के भी एक काफ़ी अच्छा आउटफिट हमारा रेडी हो गया एंड कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड इसके साथ मैंने एक ग्रीन कलर का
बड़े साइज का नेकलेस स्टाइल किया है क्योंकि इसका जो नेक वो काफी डीप है एंड डीप नेक्स के साथ इस टाइप के जो बड़े साइज के नेकलेस होते हैं ना बहुत अमेजिंग लगते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टाइल दिस कुर्ती इन दिस वे। सो दिस इज माई नेक्स्ट आउटफिट एंड अब बारी आती है सबसे लास्ट वाले आउटफिट की एंड दिस इज द सेम जो कि मैंने अभी पहना हुआ है, एक पिंक कलर का जॉर्जेट कुर्ता है। तो ये भी स्लीवलेस कुर्ता है एंड इसके साथ स्टाइल करने के लिए मैंने अलग से परचेज की है एक प्लाजो। सो ये बाई चांस दोनों इतने अच्छे तरीके से मैच हो गई, देख के ऐसा लग रहा है कि शायद कंप्लीट सेट खरीदा होगा बट नहीं, दोनों मैंने अलग अलग परचेज किए हैं बट दोनों ही सेम ब्रांड से एंड द ब्रांड इज अगेन इंडिया। इंडिया ब्रांड के आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आउटफिट्स मिल जाते हैं, खासकर अगर आपको वेडिंग के लिए कोई आउटफिट रेडी करना है तो आप इजिली वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके साथ एक बेल्ट भी मिली थी, मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगी, ऑल दो मुझे बड़ी काफ़ी बड़ी आई ये बेल्ट और मुझे कुर्ती को पहन के लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी बट क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा शो करना था कि कुर्ती के साथ ही बेल्ट आई है इसलिए मैंने इसको ट्राई ऑन पार्ट में भी ऐड किया। सो दिस इज़ द बेल्ट। इसे तो आप किसी और भी साड़ी के साथ भी, अगर आपके पास पिंक कलर की साड़ी या फिर किसी भी कलर की साड़ी है उसके साथ भी ईजिली स्टाइल कर सकते हो। सो दिस इज़ द कम्प्लीट कुर्ता विद प्लाजो। सो इसे भी आप अपने छोटे मोटे फंक्शन पर ईजिली पहन सकते हो। इसका मैंने जो साइज पिक किया था वो था एक्स्ट्रा स्मॉल बट मुझे काफ़ी टाइट आया एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे एक साइज बड़ा लेना चाहिए था, स्मॉल साइज में मुझे लेना चाहिए था बट एनीवे इसमें बहुत सारे साइज अवेलेबल हैं, आप कोई भी चेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज हॉल वीडियो एंड सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 18 के बाद अगर चेक करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि काफ़ी अच्छी वाली वार्डरोब रिफ्रेश सेल आने वाली है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो ये था आज का वीडियो, मैं आपसे मिलती हूं नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।